नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हम वतन टीवी। मैं हूं अजीत कुमार और आपके लिए लेकर आया हूं खास पेशकश, तीखे सवाल राजनीति के गलियारे से। होने वाले एमसीडी के चुनाव में कुछ ही समय शेष हैं, ऐसे में राजधानी दिल्ली में तमाम दिल्ली की सड़कों पर कुछ पोस्टर्स नज़र आते हैं। दिल्ली में जिस तरह से दिल्ली सरकार केजरीवाल की सरकार है, सेम उसी तरीके से इस बार एमसीडी में भी आपकी सरकार। इसी मुद्दे पर आज हम आए हैं रोहिणी में और हमारे साथ जुड़ रहे हैं आप नेता, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से है और किस तरीके से सरकार काम कर रही है ताकि एमसीडी में भी वो आ सके। कुछ इसी इन्हीं मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ है आप नेता बोबी सहगल जी, जिनसे हम जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। नमस्कार भैया। क्या मुद्दा रहेगा सर एमसीडी में? दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, अब एमसीडी में भी क्या मुद्दा रहने वाला है? मुद्दे बहुत हैं सर, मुद्दे तो हम सारा दिन लग रहे हैं तो ख़त्म नहीं हो सकते। मुद्दे तो बहुत हैं सर, नालियों की सफाई है, सड़कों की सफाई है, पार्कों के काम है, घास बिल्कुल नहीं कटी, और मतलब जो भी आप जहाँ जाएंगे कमी मिलेंगे आपको। सर, कमी के अलावा अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार की उपलब्धियों को लेकर के हम एमसीडी में आने वाले हैं। कुछ ऐसे हम खास दो तीन जानेंगे उपलब्धि जो जनता के सामने हम रखने वाले हैं एमसीडी इलेक्शन में। दिल्ली सरकार की कुछ ऐसी उपलब्धि जिसके बिहार पर हम एमसीडी में चुनाव लड़ने वाले हैं और जनता के सामने हम रखें। सर देखिए, आज स्वास्थ्य जो है पूरे दिल्ली, हिंदुस्तान नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर आज की डेट में इसका नाम है। आज की डेट में बच्चों की पढ़ाई के लिए चले जाइए, स्वास्थ्य हो गया, स्कूल्स हो गए, आप कोई भी काम देख लीजिए, उसका मुकाबला नहीं है कुछ भी। ये तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं है सर इस चीज़ के लिए। तो ये तो आप भी चैनल चला रहे हैं तो आपको ही मालूम होगा। आज जो पार्टी जो काम कर रही है, मेरे ख्याल से तो आज तक हिंदुस्तान के अंदर तो ऐसा काम हुआ नहीं सर। सर, हम बात करें शिक्षा की। शिक्षा में दिल्ली सरकार का एक प्राइवेट स्कूलों के लिए एक होता है ईडब्ल्यूएस कोटा, जो ईडब्ल्यूएस कोटा में बच्चों को, पेरेंट्स को सब कुछ निःशुल्क दिया जाता है, लेकिन बावजूद उसके कई प्राइवेट स्कूलों में बच्चों से किताबों के शुल्क वसूले जा रहे हैं और उनका यही कहना होता है कि दिल्ली सरकार हमें नहीं दे रही है। कैसे फेस किया जाएगा? सर देखिए, ऐसा नहीं है। अब हमारे पास भी, मेरे को ऑफिस यहाँ मैं बैठा हूँ, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यालय है मेरा, मेरे पास भी लोग आते हैं, हम लोग जहाँ भेजते हैं वो काम होता है। क्या बात होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं बेचारे, इस लेवल तक नहीं जा पाते, कंप्लेंट नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूँ आप जाइए इस चीज़ के लिए, आप मुद्दा उठाइए, आपका काम जरूर होगा, ना होने का तो मतलब ही नहीं है सर। मैंने यहाँ बैठ के कराया, मतलब किस स्कूल की मजाल है जो ऐसे ना गलत काम करेगा? इट्स नॉट पॉसिबल सर। हम अगर बात करें सर, एमसीडी में बीजेपी है इस समय और दिल्ली में आम आदमी पार्टी, आरोप प्रत्यारोप का दौर काफ़ी समय से बहुत रहा है। हम दिल्ली की जनता को कैसे समझा पाएंगे कि हम सही हैं और एमसीडी गलत है? सर, दिल्ली की जनता बहुत समझदार है। अब दिल्ली की जनता पहले वाली जनता नहीं रही है, मतलब जो विश्व रिकॉर्ड करके दे सकती है, 70 में से 67 दे रही है। इट मीन्स देर इज़ समथिंग स्पेशल इन दिल्ली गवर्नमेंट। और मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ, जिस दिन दिल्ली गवर्नमेंट के पास एमसीडी आ जाएगी, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, वही एमसीडी होगी। ये वही एमसीडी जो आज बीजेपी के बाद 15 साल से है, कुछ नहीं कर रहे लोग। सिर्फ एक ही काम होता है वहाँ पर, जैसे खुशबू आ जाती है ना, जैसे हम लोग पार्क में जाते हैं या किसी नर्सरी में जाते हैं तो हमें खुशबू आती है फूलों की, इनको सिर्फ एक ही खुशबू आती है कि कहाँ रोड़ी गिरी है, कहाँ बदरपुर गिरा है और कहाँ ईंटें गिरी हैं। जहाँ गिरेगी वहाँ इनका डेवलपमेंट सबसे पहले होता है, इसके अलावा कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते। और इस चीज़ के लिए दिल्ली सरकार के जो हमारे रिस्पेक्टेड सीएम साहब हैं, उनको, आपको मालूम है, वो इन चीज़ों से बहुत नफरत है। ईमानदारी के उस पर ये पार्टी आई थी और ईमानदारी के ऊपर चल रही है, बेईमानी कतई भी बर्दाश्त ना थी, ना है, ना रहेगी। सर, उससे पहले भी अगर मैं बात करूँ दिल्ली में विकास की बात करूँ, तो लोगों को दिख रहा है, हाल ही में बरसात का मौसम रहा, बरसात गया, उसके बाद जो जगह जगह जल भराव हुए, आज बरसात ना होने के बाद भी जगह जगह जल भराव हैं जो दिल्ली की जनता फेस कर रही है। हम भले ही एमसीडी पर आरोप लगाएं, लेकिन काफ़ी काम ऐसे हैं जो दिल्ली सरकार के अंडर में है, वो नहीं हो पा रहे हैं, तो हम कैसे फेस करेंगे? देखिए सर, मैं आपको बताऊँ, आज की डेट में मेरी जो कैलकुलेशन ये कहती है, मुझे भी राजनीति करते हुए 30 साल से ऊपर हो गए हैं, कुछ लोगों को मालूम होता है, कईयों को लोगों को नहीं पता होता। आज की डेट में मेरे हिसाब से 80% जो सड़कें हैं ये एमसीडी के अंडर में आती हैं, दिल्ली सरकार के अंडर में नहीं आती। और कुछ लोग जो, जिनको तो समझ है वो तो समझ सकते हैं, जिनको नहीं पता वो यही सोचते हैं, जैसे आज ये वाली सड़कें हैं, यहाँ पानी भरा होगा तो आप कुछ भी फैला दीजिए कि दिल्ली सरकार काम नहीं कर रही। जिसको पता है बेचारे का वो मान जाएगा, जिसको नहीं पता वो नहीं मानेगा। मैं मानता हूँ पिछली बार बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, कुछ जगह हुई है, मैं ये नहीं कहता।
अब जैसे पीछे आज हमने पूरी आज तक में भी देखा, अच्छे चैनलों में देखा हमने ये चीज़, ये उन नेशनल टीवी में भी बताया गया था कि 80% से ऊपर जो सड़कें हैं, जो नालियाँ हैं, वो जो आज की डेट के अंदर वो उनके अंडर में आती हैं। पर इल्ज़ाम लगाया जाता है दिल्ली सरकार पर। मैं ये नहीं कहता कि ठीक है कुछ हुआ होगा गलत भी, पीछे बरसात बहुत ज़्यादा हुई थी, पर हमने उसको मानते हैं कि कहीं ना कहीं PWD की भी खामियां रही है। सर देखिए 100% तो कोई कुछ नहीं, या जो 50 साल का जो किया कर धरा है वो इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है, उसको टाइम लगता है और डे बाई डे ये हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। अब पिछली बार था, इस बार और होगी, अगली बार होगी, कुछ टाइम बाद। हाँ हमें इतना मालूम है, जिस दिन MCD हमारे हाथ आएगी आपको ये दोबारा शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, ये मैं पक्की बात बता रहा हूँ। सर अगर मैं बात करूं, आज भी कई ऐसे विधानसभा हैं जिसमें निगम भी आम आदमी पार्टी के पास है और विधानसभा तो पहले से है ही, वहां की तस्वीर भी कोई ज़्यादा बदली नहीं है, वहां की तस्वीर भी अगर हम कहें तो बद से बदतर है, कैसे हम भरोसा दिला पाएंगे? सर देखिए मैंने आपको अभी बताया कि कोई भी दूध का धुला नहीं होता, ठीक है अगर कोई गलत है उसको, इस बार सब कुछ जनता ने जो बोला है वो हमारी रिपोर्ट ऊपर तक जाती है और उस पर पूरा अमल होगा, ज़रूर होगा। मैं ये नहीं कहता कि नहीं जी नहीं 50 है तो 50 पे ठीक, कुछ होगा कमी होगी, वो कमी इस बार दूर की जाएगी, ये बात पक्की बात है। सर मैं बात करूं, बार बार आम आदमी पार्टी एक बड़ा मुद्दा उठाती है MCD में, भ्रष्टाचार का मुद्दा, इसके लिए किस तरीके से हम जब MCD में आएंगे तो इसको किस तरह से दूर किया जाएगा? सर MCD में भ्रष्टाचार में वही वाली बात है कि इसमें कोई शक नहीं है, आज की डेट के अंदर आज एक बात बोल दी जाए कि हाँ जी ये बिल्डिंग सेक्शन आज MCD वाले से वापसी लेके दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाता है, मैं कोई भी निगम पार्षद टिकट तक नहीं मांगेगा, ये मैं खुद कह रहा हूँ ये बात, बिल्कुल भ्रष्टाचार होगा सर, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार किस में है? बिल्डिंग सेक्शन के अंदर। तो ये थोड़ा बहुत तो हम लोगों को खुद को अपने ऊपर करना पड़ेगा सर, ईमानदारी से काम कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं 25 साल से ऊपर खुद BJP में रहा हूँ, मैं आज मुझे 5 साल हो गए हैं, मैं बहुत प्रभावित हूँ CM साहब के, मतलब साथ में काम करके मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, आम आदमी पार्टी से आ रहा है, मैं ठीक है मैं अपनी जितना मर्जी बोलूँ तो कोई विश्वास करने के पर मेरी वार्ड की जनता को मालूम है कि बॉबी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, वही मैं चीज़ चाहता हूँ कि ईमानदारी तो हमारे खुद के अंदर थोड़ा बहुत तो हमें देखना पड़ेगा। हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आप BJP छोड़ करके आम आदमी पार्टी में गए, आप खुद नेता हैं, अगर मैं 1% अगर कहूं कि आपको अगर आम आदमी पार्टी मौका देती है तो क्या लगता है किस तरह के सुधार करने चाहिए और किस तरह के सुधार पर आप प्राथमिकता देंगे? सर देखिए एक तो दोनों चीज़ें हमारे दिल्ली गवर्नमेंट हमारे पास है, दूसरी बात अगर MCD हमारे पास आती है तो हमें इतना विश्वास है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे, जो हम डिमांड करेंगे हम फंड भी लेकर आएंगे, सब कुछ करेंगे और अपने वार्ड के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। देखिए आज आपके पास MCD के कर्मचारी पूरे हैं, 200 से ऊपर मेरे वार्ड में कम से कम कर्मचारी स्वीपर ऊपर हैं, माली हमारे कम है, आप थोड़ी सी बढ़ाइए, अगर 2-3 चीज़ें आपके पास, नाली पार्क ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपके पास, वो भी अगर हम नहीं कर पाते तो मेरे ख्याल से हमें निगम पार्षद बनने का कोई भी हक नहीं है बिल्कुल भी। अगर आज कोई भी निगम पार्षद के पास जाता है कि सर हमारे पार्क के अंदर ये घास नहीं है, पार्क के अंदर थोड़ी सफाई करा दीजिए, पेड़ की छटाई कर दीजिए, अगर हम लोग ये भी नहीं करा सकते ना तो मेरे ख्याल से भाई साहब हमारे को निगम पार्षद का पॉलिटिक्स में बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी से नेता बॉबी सहगल जी, जिनसे हमने जाना किस तरीके अगर हम MCD में आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या होने वाली और किस तरीके से अगर वो आएगी तो उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। तो अगर आपके पास भी ऐसे कोई मुद्दा है या आपके पास उसमें कोई सवाल आपकी राय है तो हमें ज़रूर बताएँ और देखते रहें हम वतन TV।